बलौदा की बात करेंगे, जहां पर जिले में सरकारी स्कूल भगवान भरोसे ही चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते अधिकांश टीचर स्कूल से नदारद रहते हैं। शिक्षक भले ही सरकारी तनख्वाह लेते हों, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। शिक्षक स्कूल रोज और समय पर कभी नहीं पहुँचते हैं। ऐसा ही मामला आपको तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। क्लास पूरी खाली है, क्लास में बच्चों के बैग जरूर रखे हैं, लेकिन बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे भी स्कूल में क्या करेंगे। और कभी कभार स्कूल आकर खाना पूर्ति और रजिस्टर मेंटेनेंस भी बस ऐसा ही कर दिया जाता है। दरअसल बलौदा बाजार जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सुरबाय और मिडिल स्कूल सुरबाय में पदस्थ टीचर कभी स्कूल ही नहीं आते हैं। यहाँ पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल मिलकर कुल 5 शिक्षक पदस्थ हैं। और इसमें खास बात यह है कि सुरबाय स्कूल जंगल इलाका है, जिसका फायदा सुरबाय समेत आसपास के स्कूल वाले भी उठाकर स्कूल नहीं आते हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के भविष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आप जानकारी है आपके माध्यम से पता चले है मुझे भी, और इसके बारे में हम लोग जांच करवाएंगे, गंभीरता से करवाएंगे, और जो लापरवाह हैं, जो गलती कर रहे हैं टीचर, वो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। और आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 5। और स्कूल आते हैं कि नहीं आते वो लोग? आधे दिन आते हैं, नहीं आते। क्या बोल रहे हो? वो आधे दिन आते हैं, आधे दिन नहीं आते। आधे लोग आते हैं, आधा लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? नहीं जानते उसको। और पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं होता है? अच्छा से नहीं होता है। पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। और कौन टीचर रोज आता है? कौन टीचर? शिव। वो रोज आते हैं? और बाकी लोग नहीं आते? दूर दूर के नहीं आते। क्यों नहीं आते, पूछते नहीं? नहीं, डर लगता है। डर लगता है? मारते हैं क्या? नहीं।